तो देखो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में एक रिवीजन सीरीज, एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज, रिवीजन सीरीज क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? देखो, सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले रिक्वायर्ड है क्या इनफ सिलेबस तुमने कंप्लीट किया, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिविजन और तुम्हारी प्रैक्टिस। ठीक है, तुम्हारी कितनी प्रैक्टिस है क्वेश्चन की और तुम्हारी रिवीजन कैसी है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये रिवीजन जो सीरीज़ है, इसका जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा बोर मॉडल। ठीक है, बोर मॉडल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट है, इसके शॉर्ट नोट, एक टाइप से मैं कह सकता हूँ मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखे हैं, कॉन्सेप्ट लिखे हैं, और उसकी जो PDF फाइल है वो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका जो नाम है वो फिजिक्स तड़का नाम से डायरेक्ट सर्च करना, ऊपर ऊपर ही तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से ये PDF फाइल है, तुम डाउनलोड कर सकते हो और इसको रिवाइज कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है तुम्हें, शॉर्ट नोट्स वगैरह तुम खुद बनाओ, लेकिन यदि फिर भी तुमने शॉर्ट नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो। हम धीरे धीरे करके लगभग सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे आगे टाइम मिलता जाएगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा है बोर मॉडल, या इसको कह देते हैं बोर थ्योरी, या इसको डायरेक्ट बोर मॉडल भी कह देते हैं। देखो, बोर ने क्या बताया था, बोर ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है n इंटू एच कट हो। ये l यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को शो करता है, n इंटू एच कट, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। n इंटू एच कट, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती है। और एंगुलर मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है हमारे पास में, m इंटू वी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद रखना। और एक और फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, m ओमेगा आर स्क्वायर, क्योंकि जो v की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे लिखी है ओमेगा आर। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो बोर्ड ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम एन एच कट हो। यहाँ पे जो एच कट है उसकी वैल्यू है एच अपॉन 2π। ठीक है, और बोर्ड ने ये कहा था जो फोर्स होगा, जो प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स होगा, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें देखो मैंने सब चीज़ें कवर की है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें कवर की है। जो डिपेंडेंस होंगे, रेडियस का डिपेंडेंस है इन पे कैसे होगा, वो सब चीज़ें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें समझ में आता जाएगा। और ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने एक बार पढ़ रखा है बोर मॉडल। ठीक है, मेरी वीडियोज़ वगैरह देखी या कहीं और से बुक से तुमने पढ़ रखा है। अब देखो इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाएगा, एक हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाएगा, तो एक एनर्जी रिलीज करेगा, एक लाइट रिलीज करेगा जिसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी, जो एनर्जी एक फोटोन रिलीज करेगा, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी एच म्यू होगी, और वो एच म्यू क्या होगा, इन दोनों लेवल का जो एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, एक हायर लेवल से, हायर लेवल हमारा ई आई से लिखा है हमने, लोअर लेवल को ई एफ से लिखा है, और ये एक फोटोन की एनर्जी है। ये जो PDF फाइल है तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। फोटोन एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ई आई माइनस ई एफ। अब जो बोर मॉडल है, इट इज एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन एटम, ऐसे ही ऐसे एटम पे एप्लीकेबल होगा जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, कुछ एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे 1H1, 1H2, ड्यूट्रॉन, 1H3, इन सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम प्लस, हीलियम प्लस का मतलब हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसलिए इसको कह रहे हैं हम हीलियम प्लस। तो हीलियम प्लस भी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है। लिथियम 2+, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2+ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम 2+ भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब जो बोर मॉडल है इट इज एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। पॉजिट्रोनियम, पॉजिट्रोनियम में क्या होगा, पॉजिट्रोनियम में हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज होगा सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों रिवॉल्व करा होगा, दैट इज पॉजिट्रोनियम। म्यूनिक एटम, म्यूनिक एटम का मतलब हमारे सेंटर में प्रोटोन है और उसके चारों ओर जो म्यून पार्टिकल है वो रिवॉल्व करेगा, एक सिंगल पार्टिकल रिवॉल्व करेगा। ठीक है, इसे हम कहेंगे बोर थ्योरी। बोर थ्योरी है वो सिंगल पार्टिकल के लिए ही अप्लाई होगी, या सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई होगी। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो उसकी एक पर्टिकुलर रेडियस होगी, और अलग अलग शेल होंगे यहाँ पे, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो सकती है, अलग अलग शेल होंगे, इन शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होगी, ये रेडियस का तुम्हें फॉर्मूला एक याद रखना है, रेडियस का फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला और याद रखना है, इसके बेसिस पे ही तुम सारे फॉर्मूले डेवलप कर सकते हो। एक फॉर्मूला याद रख लेना ये कैसे भी करके, रेडियस का,
और नहीं याद रखोगे तो यार तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा, और प्रूफ करने में टाइम लगता है, हमें काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो डायरेक्ट रेडियस का फॉर्मूला याद रहे, यदि फॉर्मूला भी ना याद रहे तो इसका डिपेंडेंस याद रख लेना, किस किस पे डिपेंड कर। ये रेडियस का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर। यहाँ पे जो जेड है वो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एन है कौन सी हम शेल की बात कर रहे हैं, किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जो रेडियस का फॉर्मूला है, जो रेडियस है वो कैसे डिपेंड करती है एन पे, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हें याद रखना, आर एन प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, जेड पे। यदि जेड की वैल्यू मान लो हम लिथियम की बात करें तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, तो 3 होगी जेड की वैल्यू, हाइड्रोजन है 1H1 और 1 लिथियम 2+ को हम कंपेयर करें एन इक्वल टू 1 के लिए, तो रेडियस किसकी ज़्यादा होगी, लिथियम की कम होगी, हाइड्रोजन की ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि जेड की वैल्यू लिथियम के लिए यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो आर एन किस पे डिपेंड करता है, आर एन एक तो डिपेंड करता है एन स्क्वायर पे और 1/Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये बोर रेडियस होगी, बोर रेडियस यदि एन की वैल्यू हम 1 लिखें तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, एन की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो, इससे हम कहेंगे बोर रेडियस, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होगी इसे हम कहेंगे बोर रेडियस, इसको हम ए नॉट से लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। तो तुम्हें एक ये रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। यदि ये रेडियस का फॉर्मूला याद रख लेते हो तो ये एन की वैल्यू 1 पुट करने पे तुम्हें बोर रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.51 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या याद रखना है, यहाँ पे तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है बस, ये फॉर्मूला तुमने याद कर लिया तो इससे काफ़ी कुछ है वो तुम बना सकते हो इस फॉर्मूले से। तो नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास वेलोसिटी होगी हाइड्रोजन एटम की, यदि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन एटम में, तो nth ऑर्बिट में जो हाइड्रोजन एटम की वो वेलोसिटी होगी वो ये होगी जेड ई स्क्वायर 2NH एप्सिलॉन नॉट। अब जो वेलोसिटी है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालें, यदि तुम्हें रेडियस का फॉर्मूला याद है और हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच कट है और एम वी आर के इक्वल है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये फॉर्मूला बोर थ्योरी से आया है हमारे पास में, रेडियस का हमें फॉर्मूला पता है, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच कट। तो मतलब जो वेलोसिटी है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जेड के यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगी, तो एक फॉर्मूला ये भी तुम्हें याद रखना है, मतलब वेलोसिटी एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जेड के प्रोपोर्शनल होगी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला आराम से रेडियस के फॉर्मूले से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। मेन जो फॉर्मूला है तुम्हें वो रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास q1 q2 / 4 πε₀ r। तो यहाँ पे Q1 है जेड ई चार्ज जो प्रोटॉन का चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जेड ई इंटू ई, जेड ई इंटू ई अपॉन 4 πε₀। यदि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो आर एन आ जाएगा, जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में ये एनर्जी का फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पे तुम्हें एक फॉर्मूला और याद रखना, वो आर इन्फिनेटिव का फॉर्मूला, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे आर इन्फिनेटिव क्यों लिखा है मैंने, आर इन्फिनेटिव का मतलब है यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, जो प्रोटॉन है, उसके मास को इन्फिनेटिव कंसिडर किया गया एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, मतलब जो प्रोटॉन का मास है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है इलेक्ट्रॉन के मास से, मतलब हमने जो न्यूक्लियस है हमारा, न्यूक्लियस उसको हमने स्टेबल कंसिडर किया है, यहाँ पे न्यूक्लियस मूव नहीं कर रहा। तो इस केस में हमारे पास में जो ये टर्म है वो आर इन्फिनेटिव है, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। एक रिडबर्ग कॉन्स्टेंट का तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है बस, दो ही बोर थ्योरी में तुम्हें दो ही फॉर्मूले याद रखने, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला, एक सेकेंड यार, एक रेडियस का फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और कुछ याद रखने की यहाँ पे तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास में रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा -r r इन्फिनिटिव Z² / n² × hc। आर इन्फिनिटिव की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.097 × 10⁻¹ m³।
यदि ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हमारे पास एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि हम एनर्जी लेवल को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, जो एनर्जी लेवल का गैप है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी लेवल का गैप डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन इन वैल्यू को भी थोड़ा सा याद रख लेना यदि रखना चाहो तो, क्योंकि गेट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम बाद में कैलकुलेटर से करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हो सके तो थोड़ा सा याद रख लेना, -13.6, -3.4, -1.51, -0, क्योंकि डायरेक्ट वो गैप पूछ लेता है, ठीक है। दो एनर्जी लेवल का गैप पूछ लेगा तो तुम्हें सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना होगा और कुछ नहीं करना होगा यदि तुम्हें याद होगी। लेकिन तुम वैसे करने जाओगे तो पहले ये कैलकुलेट करोगे, तुम फिर गैप निकालोगे, और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, 4-5 वैल्यू याद रख लेना, थोड़ा सा आइडिया रख लेना है ये होगा, ठीक है। ऐसे नहीं एग्जैक्ट हमें नंबर याद हो, थोड़ा सा आइडिया रख लेना 13 पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास में एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हाइड्रोजन एटम के लिए। आर इन्फिनेटिव यहाँ पे रेड पर कॉन्स्टेंट, इन्फिनेटिव क्यों लिया, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। अब देखो यदि हम वेव नंबर की बात करें, वेव नंबर का यहाँ पे मतलब है वेवलेंथ पर यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में हमारे पास में कितनी वेव है, अब वो है ई बाय एच सी। अब देखो ई का फॉर्मूला हमारे पास में था -R∞ जेड स्क्वायर एच सी बाय एन स्क्वायर, एच सी को नीचे ले जाएंगे तो वो वेव नंबर का फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा, क्योंकि वेव नंबर एनर्जी क्या होती है हमारे पास में, यहाँ पे देख सकते हो जो एनर्जी होती है वो होती है एच सी बाय लैम्डा, और एच सी को नीचे ले जाओगे ई के, ई बाय एच सी, तो ये 1 बाय लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, और 1 बाय लैम्डा को हम कहते हैं नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। एक पर यूनिट लेंथ में, एक मान लो हमने 1 मीटर लेंथ ली, या 1 सेंटीमीटर लेंथ ली, या हमने 1 नैनोमीटर लेंथ ली, इसके पर यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है, दैट इज वेव नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेव नंबर एनर्जी की टर्म्स में हम बात कम करते हैं, हम वेव नंबर की टर्म्स में बात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी या तो वो मीटर इनवर्स होगी या सेंटीमीटर इनवर्स होगी, क्योंकि 1 बाय लैम्डा है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला ये भी है, जो एनर्जी है उसका डिपेंडेंस किस किस पे है, जो एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा था ये, इसका डिपेंडेंस देखो किस पे है, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, और रिडबर्ग कॉन्स्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम पे डिपेंड कर रहा है ये। अब एक्चुअल में ये जब आर इन्फिनिटिव हम कंसिडर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है, यदि न्यूक्लियस को स्टेबल कंसिडर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है, और इन जनरल हम बात करें तो ये रिड्यूस्ड मास होगा, एक्चुअल में ये रिड्यूस्ड मास होगा। देखो ई एन प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास, ई एन रिड्यूस्ड मास के क्यों प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वो आर इन्फिनिटिव के प्रोपोर्शनल, ई एन आर इन्फिनिटिव पे डिपेंड कर रहा है और आर इन्फिनिटिव एम पे डिपेंड कर रहा है, और एम इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास कब होगा, जब ये केस होगा, अदरवाइज ये रिड्यूस्ड मास होगा। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्ट ये डिपेंडेंस याद रखना, ठीक है। ई एन डिपेंड कर रहा है रिड्यूस्ड मास पे, और ई एन किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और ई एन किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 बाय एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो म्यू है वो रिड्यूस्ड मास है, रिड्यूस्ड मास का मतलब एम पी एम ई एम पी प्लस एम ई, एम पी मतलब जो न्यूक्लियस का मास, यहाँ पे एम ई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मास, ये हमारे पास में रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला। अब देखो यदि यहाँ पे एम पी की वैल्यू इन्फिनिटिव है, एम पी की वैल्यू इन्फिनिटिव का मतलब है जो न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी है, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे जो रिड्यूस्ड मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा, उस केस में हमारा जो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है वो आर इन्फिनिटिव होगा, जो हमने पहले लिखा है, ठीक है, बात समझ में आई। और यहाँ पे जो एनर्जी होगी -13.6 बाय एन स्क्वायर, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है। यदि एम पी की वैल्यू इन्फिनिटिव नहीं है, हम उसको स्टेबल कंसिडर नहीं करके चल रहे, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से लार्ज है लेकिन इन्फिनिटिव नहीं है, तो उस केस में हमारा जो रिड्यूस्ड मास होगा वो होगा एम पी एम ई, एम एच भी लिख सकते हैं या एम पी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एम एच लिख दो या इसको एम पी लिख दो, प्रोटॉन का मास एम एच एम ई एम एच प्लस एम ई, और जो प्रोटॉन का मास होगा वो होगा 1836 टाइम एम ई, प्रोटॉन का जो मास होगा वो होगा 1836 टाइम एम ई, और एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करें 1836 टाइम एम ई अपॉन 1837 टाइम एम ई, तो मतलब हमारा जो रिड्यूस्ड मास है वो ये होगा। रिड्यूस्ड मास की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू हम एनर्जी में पुट करेंगे तो ये हमारे पास एनर्जी आई, जो पहले एनर्जी आ रही थी उससे थोड़ी सी कम आएगी, -13.6 बाय एन स्क्वायर एनर्जी थी,
अब उससे थोड़ी सी कम होगी क्योंकि रीड पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिड्यूस्ड मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो रिड्यूस्ड मास है उसका जो मास इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा सा कम होगा। ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ी सी कम होगी, इसलिए हमारा जो रेट पर कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू आर इन्फिनिटी से थोड़ी सी कम होगी। तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास में ये होगी, और एनर्जी की वैल्यू भी हम कह सकते हैं थोड़ी सी कम होगी आर एच के केस में, ई एन आर इन्फिनिटी केस में जो एनर्जी थी। ठीक है, बात समझ में आई? -13.6 बाय एन स्क्वायर नहीं होगी एग्जैक्ट, उससे थोड़ी सी। और यदि हम पॉजिट्रोनियम एटम की बात करें, यहाँ पे पॉजिट्रोनियम का मतलब है, यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सेंटर में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उसके चारों रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास क्या होगा? दोनों का मास इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल है, एम ई इंटू एम ई बाई टू एम ई, तो एम ई बाई टू। तो आर इन्फिनिटिव की वैल्यू भी यहाँ पे जो रिड पर कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि रिड्यूस्ड मास कितना हो गया? एम ई बाई टू। पहले कितना था आर इन्फिनिटिव में? कितना था? एम ई। अब हो गया एम ई बाई टू, मतलब रिड पर जो हमारा रिड पर कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू भी यहाँ पे हाफ हो जाएगी। रिड पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो एनर्जी की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो पॉजिट्रोनियम के लिए जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी -6.8 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो पॉजिट्रोनियम की यहाँ पे रेडियस होगी ये तुम खुद देख लेना, पॉजिट्रोनियम की जो रेडियस है वो यहाँ पे डबल हो जाएगी, क्योंकि एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो रेडियस है वो एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एम हाफ हो गया तो रेडियस डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ये रिलेशन भी लिखा है, जो रेडियस ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम इट इज़ द डबल ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है एक पॉजिट्रोनियम एटम में और एक हाइड्रोजन एटम में, यदि हम nth ऑर्बिट की बात करें तो जो रेडियस है वो यहाँ पे अलग अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे रेडियस जस्ट डबल हो जाएगी पॉजिट्रोनियम एटम। वेलोसिटी के लिए तुम खुद कैलकुलेट करना वेलोसिटी का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या पॉजिट्रोनियम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी और एक हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी में क्या चेंजेस होंगे, इनको तुम खुद फाइंड करने की कोशिश करना, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये PDF फाइल तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें मियोनिक एटम की। मियोनिक एटम में देखो सेंटर में प्रोटॉन होगा और उसके चारों ओर मियोन है वो रिवॉल्व कर रहा होगा, इसे हम कहते हैं मियोनिक एटम। जो मियोन एटम है इसका जो मियोन पार्टिकल है उसका जो मास होगा वो होगा 207 mE, 207 × mE, और जो प्रोटॉन का मास है वो 1836 mE। ठीक है, जब रिड्यूस्ड मास कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे प्रोटॉन के मास और मियोन के मास की वैल्यू पुट करेंगे, 207 mE और 1836 mE, तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 186 mE। ठीक है, तो रेट पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी? 186 टाइम बढ़ जाएगी। रेट पर कॉन्स्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब एनर्जी की वैल्यू भी 186 टाइम हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास में एनर्जी के फाइनल रिजल्ट होगा -2529.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, पॉजिट्रोनियम एटम, म्यूनिक एटम, लिथियम पॉजिटिव, लिथियम 2+, हीलियम 2+, इनसे क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से देख लेना। अब हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड ऑफ एटम, जो इलेक्ट्रॉन है उसका टाइम पीरियड, वो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कल में, तो उसका टाइम पीरियड क्या हुआ? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πr/v। 2πr है डिस्टेंस, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो टू डिस्टेंस है 2πr, वेलोसिटी कितनी है? वी एन। आर एन की वैल्यू हमें पता है, वी एन की वैल्यू हमें पता है, ये जब वैल्यू पुट करेंगे, देखो आर एन पता है और वी एन पता है, ठीक है, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो आर एन एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वी एन 1/n के प्रोपोर्शनल है, तो टाइम पीरियड एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, जेड स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये रिलेशन याद रखना, जो टाइम पीरियड है वो एन क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, जेड स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा गेट में या नेट में क्वेश्चन बन सकता है टाइम पीरियड से। तो हाइड्रोजन एटम के लिए टाइम पीरियड याद रखना, जेड पे कैसे डिपेंड करता है और एन पे कैसे डिपेंड करता है, और इवन ये मास पे भी डिपेंड करता है। देखो अब यहाँ पे म्यूनिक एटम, पॉजिट्रोनियम एटम, इन सभी के लिए मास जो हमारा रिड्यूस्ड मास है वो अलग अलग होगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी तुम थोड़ा सा इसको याद रखना। अब हम बात करते हैं वेरियस सीरीज ऑब्जर्वड इन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में बहुत सारी हमें सीरीज मिलेगी, वो सीरीज क्यों मिलती है? देखो एक्चुअल में हमें लेवल्स नहीं दिखेंगे, हमें क्या दिखती है? हमें स्पेक्ट्रम दिखता है, लाइंस दिखती है। वो लाइंस क्या होती है? वो लाइंस किस लिए मिलती है हमें? जब एक इलेक्ट्रॉन है हायर लेवल से लोअर लेवल पे
जाता है तो वो एक एनर्जी को रिलीज़ करता है, एक फोटोन को रिलीज़ करता है, एक वो पर्टिकुलर उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, वेव लेंथ होती है, या हम कह सकते हैं उसका पर्टिकुलर वेव नंबर होता है, उसको वेव नंबर के टर्म्स में भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो हायर लेवल है हमारे पास में, ये लोअर लेवल है। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जाता है, एक फोटोन रिलीज करता है, उस फोटोन की एक वेव लेंथ होगी, वेव लेंथ होगी तो एक पर यूनिट वेव लेंथ भी होगी, जिसे हम वेव नंबर कहेंगे, उसको हम डेल्टा टी से लिखेंगे। टी क्या लिखा था हमने? ई बाई एच सी। ई बाई एच सी क्या था हमारे पास में? माइनस आर इन्फिनिटिव, और यहाँ पे क्या था? माइनस आर इन्फिनिटिव बाय एन स्क्वायर। ठीक है, ये था ना हमारे पास में, देखो टी, हाँ ये माइनस आर इन्फिनिटिव बाय एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू यदि हम 1 कंसिडर करें, ठीक है, तो माइनस आर इन्फिनिटिव बाय एन स्क्वायर। यदि हम डेल्टा टी की बात करें, डेल्टा टी का मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे हम तो हमारे पास में ये फाइनल फॉर्मूला आएगा, और ये तुम्हें याद रखना है, या तुम्हें डिफरेंस डायरेक्ट लेना आना चाहिए। आर इन्फिनिटी 1 बाय Nf² - 1 बाय Ni² यहाँ पे जो Nf है वो है इनिशियल स्टेट, लोअर स्टेट, और Ni है अपर स्टेट, इनिशियल स्टेट। Nf है फाइनल स्टेट, Ni है इनिशियल स्टेट, मतलब इनिशियल स्टेट का जो फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है, इसमें इनिशियल स्टेट बाद में आएगी, -1 बाय Ni² 1 बाय Ni, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यदि हम लाइमन सीरीज की बात करें, यहाँ पे देखो बहुत सारी सीरीज होगी, यदि जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट शेल में आ रहे हैं, हायर लेवल कुछ भी हो सकता है, जो लोअर लेवल है वो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है, किसी भी ऑर्बिट से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, वो फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, तो मतलब हमारा जो Nf होगा, फाइनल स्टेट होगी, वो उसकी वैल्यू 1 होगी, Nf की वैल्यू हमारे पास में 1 होगी, और Ni की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको, जैसे ये हमारे पास में n=1 है, ये हमारा Nf है, और वो इस लेवल से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, ऊपर वाले से भी आ सकता है, और ऊपर वाले से भी आ सकता है। ठीक है, तो वेवलेंथ किस में मैक्सिमम होगी और किस में मिनिमम होगी? ठीक है, जहाँ देखो एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन, जहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ वेवलेंथ कम होगी, और एनर्जी ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ गैप ज़्यादा होगा, मतलब आर यदि इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटिव लेवल से फर्स्ट लेवल में आ रहा है तो एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है। मान लो ये इन्फिनिटिव लेवल और फर्स्ट लेवल में आ रहा है तो एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, एनर्जी का गैप ज़्यादा है इसका मतलब वेवलेंथ मिनिमम होगी, तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है Ni की वैल्यू इन्फिनिटिव होगी। ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब Ni की वैल्यू इन्फिनिटिव, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब Ni की वैल्यू 2 होगी, सेकेंड लेवल से वो फर्स्ट लेवल में आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी मिनिमम है, वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो ये तुम फॉर्मूला ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिकली ये फॉर्मूला तुम याद रखना, तो मिनिमम वेवलेंथ होगी 1 बाय R इन्फिनिटिव 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी 3 R इन्फिनिटिव सॉरी 4 बाय 3 R इन्फिनिटिव 1215 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, यदि Ni की वैल्यू 2 है तो एल अल्फा सीरीज होगी, Ni की वैल्यू 3 है तो एल बीटा होगी, एल गामा होगी, एल डेल्टा होगी, Nf की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, इसलिए इसको लाइमन सीरीज कह रहे हैं। ठीक है, जो लाइमन सीरीज है वो किस रेंज में होगी? हमारी अल्ट्रा वायलेट रेंज में, लाइमन सीरीज की जो रेंज होगी वो अल्ट्रा वायलेट, यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम देखें तो अल्ट्रा वायलेट सीरीज होगी। ठीक, बात समझ आई? ऐसे ही हमारे पास में बामर सीरीज होगी, बामर सीरीज में जो फाइनल स्टेट होगी वो Nf=2 होगा हमारे पास में, Nf की जगह हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/4। अब ऐसे ही लैम्डा मिनिमम निकाल लेंगे और लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो रेंज होगी ये विजिबल रेंज होगी। ऐसे ही पाशियन सीरीज होगी, मतलब Nf की वैल्यू 3 होगी, ब्रैकेट के लिए Nf की वैल्यू 4 होगी, और फुंड के लिए Nf की वैल्यू 5 होगी। पाशियन सीरीज की जो रेंज होगी वो IR होगी, ये बहुत कम पूछी जाती है, बेसिकली तुम्हारे से जो पूछी जाएगी वो लाइमन और बामर ही पूछी जाएगी। बामर में भी ये होता है हमारे पास में अल्फा बीटा गामा। ठीक है, यदि 3 से 2 में आ रहा है तो अल्फा, 4 से 2 में आ रहा है तो बीटा, और 5 से 2 में आ रहा है तो गामा। ठीक है, वो याद रख लेना तुम। ब्रैकेट सीरीज और जो पाशियन सीरीज है उनकी जो स्पेक्ट्रम होगा वो IR होगा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होगा। फुंड सीरीज का जो स्पेक्ट्रम है वो फार इंफ्रारेड होगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम वेव नंबर के टर्म्स में मेजर करते हैं, वेवलेंथ के टर्म में भी मेजर कर सकते हो, लेकिन हम बेसिकली वेव नंबर के टर्म में यहाँ पे मेजर करते हैं। अब क्या होगा यदि हम हाइड्रोजन एटम का टेम्परेचर बढ़ा दें?
टेम्परेचर बढ़ा दें। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, देखो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है तो वो एक एनर्जी को रिलीज करता है, उसी टाइप से यहाँ पे, ये तो एमिशन की हम बात कर रहे हैं, सेम इसी में अब्जॉर्प्शन भी होता है। जब हम कोई लाइट इंसिडेंट करवाएंगे हाइड्रोजन एटम पे, कि कुछ वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एक लोअर लेवल से वो हायर लेवल में चला जाएगा फोटोन को अब्जॉर्ब करके। अब वो एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम है वो मैक्सिमम कौन सा होगा, क्या वो बामर सीरीज वाला मैक्सिमम होगा, लाइमन सीरीज वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम होगा, पाशियन सीरीज वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैक्सिमम होगा, वो डिपेंड करेगा लोअर लेवल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन की, किस रेंज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्या बामर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या लाइमन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या ब्रैकेट फोन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, कौन से लेवल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। यदि हम लो टेम्परेचर की बात करें तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉनों ग्राउंड लेवल में होंगे, ग्राउंड लेवल में होंगे इसके मतलब लाइमन सीरीज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यदि हम हाई टेम्परेचर की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में चले जाएंगे, फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में चले जाएंगे, इसका मतलब सेकेंड लेवल में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो अब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, बामर सीरीज की ज़्यादा होगी। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तुमने, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हायर लेवल में N2 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मतलब अब्जॉर्प्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी बामर सीरीज में बढ़ती जाएगी हाई टेम्परेचर पर। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो कौन से सीरीज की अब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो बामर सीरीज की अब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। रिड्यूस्ड मास को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एम यहाँ पे न्यूक्लियस का मास है, स्मॉल एम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है, कैपिटल एम को हमने यहाँ पे न्यूक्लियस का मास लिखा, कैपिटल एम को हम नीचे ले जाएंगे तो ये इस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, m1+m/m। ऐसे ही हम जो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है उसको भी लिख देंगे, r∞ 1/1+m/m, ये पता है ना तुम्हें कैसे, क्योंकि r∞ m के प्रोपोर्शनल है, रिड्यूस्ड मास के प्रोपोर्शनल है, और रिड्यूस्ड मास हमारे पास में ये है और आर इन्फिनिटिव एम पे डिपेंड करता है, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला हो जाएगा आर एम का। फाइनाइट हम मास की बात करें, फाइनाइट मास की हम बात करें तो उस केस में हमारा ये रिडबर्ग कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, यदि न्यूक्लियस का मास फाइनाइट है। दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोजन एटम बोर मॉडल, ये जो PDF फाइल है तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना वहाँ से।